कौन सी गली है ये, हम कहाँ आए हैं दिल्ली में? चांदनी चौक, लांडी वो लाज लाज पर ट्राई मार्केट। न्यू लाजपत। और ये क्या बना रहे हो आप? ये मूंगलेट बना रहा हूँ। मूंगलेट मतलब मूंग की दाल चाहिए? मूंग की दाल और बेसन का मूंगलेट चीला बनाते हैं। और ये सैंडविच है। और ये सैंडविच है, अमेजिंग। मैंने पहली बार नाम सुना मूंगलेट, मतलब मूंग की दाल प्लस ऑमलेट। नहीं, वो मूंग की दाल और क्या बोला आपने, कटलेट? नहीं, बेसन, बेसन और मूंग की दाल मिला के बनता है मूंगलेट। ओके, नाइस। चटनी कौन कौन सी है? रेड है और ये क्या खट्टी चटनी है? क्या ये मीठी चटनी है राई हाउस के? और ये वाली, ये वाली भी दो ना, दोनों थोड़ी थोड़ी सी दे दो। गाइस अब देखेंगे लड़कियां कैसे टूटेंगी इस पे, कैसे खाएंगी। हाँ हम तुम्हें लेना चाहते हैं कि तुम लोग कैसे खाओगे। हाँ देखो लड़कियां कैसे खाती है खाना। ये मुंबई लड़कियां कैसे खाओगी तुम लोग दिल्ली में, देखते हैं। देखो मैंने सुना है दिल्ली की लड़कियां बहुत स्टाइल मारती हैं, तो ये दिल्ली की लड़कियों के लिए मैसेज है कि देखो हमारी मुंबई की लड़कियां भी बहुत स्टाइल ए मुंबई की लड़कियों, ये देखो कितनी स्टाइल से खाती है मुंबई की लड़कियां। वाह। और ये तुम कहाँ, इंदौर की हो क्या? ये कहाँ से आई हो बताओगी, कौन से देश से आई हो? एक इम्पल्स आई है थोड़ी देर पहले, यहाँ पे एक बुजुर्ग अंकल आए थे, है ना, बुजुर्ग अंकल, और वो इनसे पूछे थे कि कितने का है, और इन्होंने शायद पैसा बताया, तो वो जो बुजुर्ग थे वो चले गए और बिना लिए, तो मुझे ऐसा लगा मैं उनको दे दूं, मैंने दे दिया। बट एक इम्पल्स आई है, और आप सब जानते हैं मैं इम्पल्स पे काम करती हूँ। ये मेरी जितने लोगों को भी खिला सको प्लीज खिलाना। अभी हाथ में रखो, आइए कहाँ जा रहे हो आप? हमें पराठा गली। पराठा गली तो हम जा रहे हैं पराठे गली, इस रिक्शे में बैठ के। बहुत सालों से नहीं बैठी हूँ मैं इस रिक्शे में। आगे बढ़ जाइए 4-5 मिनट। नहीं हमें आ रहा है इनको बिठा के। तो हम जा रहे हैं पराठे वाली गली में, चांदनी चौक में। बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा ये पलटता है क्या भैया? वो बोले अंकल जी। अरे बोलने से क्या होगा? हाँ उन्हें बोलने से, वो जनरल माइंड है, अपन लोग स्पेशल माइंड है। दिस जर्नी इज वेरी अमेजिंग जर्नी, वी आर गोइंग टू क्रिएट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस इन दिस सेगमेंट। सो गाइस इसको बोलते हैं सेगमेंट एक्सटेंशन। सो गाइस मैंने 350 रुपए की कैब खरीदी थी इंदौर से, और यहाँ पे दिल्ली में सर्दी नहीं हुई थी, मुझे लगा मेरा पैसा बर्बाद जाएगा। बट अभी ये बोल रहे हवा चल रही, तो मुझे लग रहा बहाना मिल गया मुझे कैब करने का। बट ठंड है, चलो ना गाना गाओ ना। हाँ चलो, हाँ दिल्ली की सर्दी, दिल्ली की सर्दी। नहीं 1 2 3 4 5 100 रुपए। भगवान करे वो भी हो जाए। तो सुनिए भैया, हाँ जी, शानू दिल्ली आए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है हमारे इंदौर में और हमारी मुंबई में बहुत खुशियां हैं भैया। मैं खुशियां बांटती हूँ, ठीक है? तो ये रही आपकी मेहनत, इतने प्यार से आप यहाँ लेके आए, और ये 100 रुपए इसलिए कि आप स्माइल करो कैमरे में देख के। हमेशा मुस्कुराते रहना, ठीक है? और ये 100 रुपए आपके मुस्कुराने के लिए। वो मेरी मैनेजर
फिर हम लोग जैसे ही रिक्शे से उतरे रिक्शे वाले को पैसा दे रहे थे और सोनाली और एप्पल गायब है। कहाँ ढूंढ रहे हैं इतनी भीड़ में, देखो जरा। याद है मैं ज्यादा भूख लग रही है, पराठे वाली गली में, ये है पराठे वाली गली, लेकिन ये लड़कियां कहाँ है? मस्त ड्रेसेस है। तुम इम्प्रेस हो गई क्या दिल्ली से? हाँ? इस गली से इम्प्रेस हुई क्या मिनी तू? हाँ। वेलकम टू पराठा, वेलकम टू पराठा। जगह मिल गई खाने के लिए, है ना? सो फाइनली जगह मिल गई है। सुनो ना, एक वीडियो का जो हमने आइडिया दिया था ना, ये आपको एम्बैरेस करना है, ठीक है? तो मम्मी को पता है, मुझे पता है, तुम्हें पता है, तो ये बोल रही है कि मेरे को भी पता है, तो मैं इसको नहीं बता सकती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल की साइज ज्यादा रखी थी। एप्पल माँ बेटी के बीच में फंसी थी आशा, उसको ऐसा लगता है कि तुम ऐसा बोलते हो वो माँ से साइड लेती है और मुझे ऐसा लगता है वो का साइड लेता है। अब क्या कर सकती हो और तुम दोनों में से किसी का ट्रस्ट नहीं जीत पाओगी, वो प्रिया जो प्रॉब्लम तुम्हारी है। मैं सबके साथ रहती हूँ क्योंकि मुझे शक होता है इसको ज्यादा सारी बातें बताती है, इसको लगता है माँ को सारी बातें बताती है, तो तुम वो कैसे बताई जाती है? तो तुम छुपाती हो कि बता रही हो? ये सब छुपा लेती, मतलब मुझे कुछ नहीं बताई आपको क्या चल रहा है, नहीं बताऊंगी तुम मुझे, मैं क्यों बताऊंगी।